इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एरे और मैट्रिक्स के साथ काम करना सिखाऊंगा। एरे कैसे बनाए और मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम है ए। मैट्रिक्स एंटर करना मैंने आपको शायद पहले या दूसरे ट्यूटोरियल में बताया होगा। यहाँ पर मैं फिर करता हूँ 1, 2, 3 और इसके बाद एक सेमी कॉलन, मतलब कि आपका ये एक रो एंट्री हो गया। दूसरा मैं एडिट कर देता हूँ, 4 स्पेस देने के बाद 6, दूसरा रो आपका हो गया। तीसरा रो 7, 8 स्पेस देने के बाद 9, ये हो गया आपका तीसरा रो कंप्लीट। आपका मैट्रिक्स ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और अब मैं इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन, जैसे कि मानिए कि मेरा दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट जो है वो गलत एंटर हो गया, मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं करूँगा कि मैट्रिक्स ए के दूसरे रो का जो तीसरा एलिमेंट है वो गलत है, तो मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ कि यह है क्या, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट ही है आपका 6, अब मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। तो दूसरे एलिमेंट का मैं लिख देता हूँ, ये आपका होना चाहिए था क्या 10 होना चाहिए था। तो दूसरे एलिमेंट का तीसरा, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट आपका ये 10 हो गया हुआ। ठीक है, मैं इसे फिर से वापस 6 कर देता हूँ। ओके ठीक है, क्लियर विंडो करके मैं फिर से इसे रिट्रीव करता हूँ। यह रहा आपका मैट्रिक्स ए। अब मैं इसी मैट्रिक्स से एक और मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, इसी का सब मैट्रिक्स, उसका नाम मैं देता हूँ बी। बी इक्वल टू मैं क्या कहता हूँ, उसमें दूसरा और तीसरा रो होना चाहिए, तो दूसरा से तीसरा रो होना चाहिए, कॉमा के पहले रो, कॉमा के बाद आपका कॉलम होना चाहिए। कॉलम कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कौन कौन से कॉलम, पहला से लेकर के तीसरा कॉलम होना चाहिए, तीनों कॉलम होने चाहिए, यानी कि मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 रो और 3 कॉलम का होगा, तो ये मैट्रिक्स बनना चाहिए। देखते हैं, बी इक्वल टू दिस 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 4, 5, ये तो आना चाहिए आंसर, एक्सप्रेशन इनकरेक्ट पॉसिबली। ओ मैट्रिक्स ए का, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, बी जो मैट्रिक्स होगा वो ए का सब मैट्रिक्स है और ये आपका आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप यहाँ पर 1 से 3 ना दे करके सिर्फ 1 भी अगर आप देते तो ये सेम ही बात होती है, आंसर आपका सेम आता। ओके ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, मैं फिर से मैट्रिक्स ए लाता हूँ। ठीक है, और बी इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू ये है आपका ए है और ये बी है आपका। अब मेरे को बी में मानिए कोई एंट्री गलत हो गई, मैं बी को हम चाहिए, मानिए कि बी में मेरे को ये 5 और 8 नहीं चाहिए मेरे को, मैं बी का भी सब मैट्रिक्स सब निकालना चाहता हूँ, तो 5 और 8 दोनों को एक साथ मेरे को नल करना, 0 करना है। तो मैं ऐसा करूँगा क्या, बी नल नल स्पेसिफाई करना है वो बीच वाले सेकंड कॉलम को, तो सेकेंड कॉलम को नल अप्लाई करना है, तो मैं पहला से लेकर के तीसरा रो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है पहला से तीसरा रो। ठीक है, और कॉलम क्या है आपका दूसरा, मेरा आपका दूसरा कॉलम, इसे मैं नल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ कि आपका नल हो गया हो, नल वेक्टर है आपका, यानी कि ये दूसरे कॉलम को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, 4, 7, 6 ने 6, 9 यानी कि 8 और 5 को ये
करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कमांड है, थोड़ा समझने में प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सब मैट्रिक्स कैसे बना है। अब आगे ट्रांसपोज करते हैं। जैसे कि ट्रांसपोज में करना चाहता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ एक्स, जो कि ए का सब मैट्रिक्स होगा और पहला रो होगा इसमें। ठीक है, और सिर्फ पहले ही रो को रखते हैं, पहला रो है आपका वो। अब एक्स का ट्रांसपोज मैं करना चाहता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज 1 2 3। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये पॉइंटर ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से गलत हो गया, उल्टा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डायमेंशन मस्ट एग्री एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट ऑफ एक्स। ओ, दोनों का डायमेंशन सेम है तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, 14। ठीक है, एक्स आपका ये है, और एक्स को मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन तभी होगी जब दोनों रो होते हैं या दोनों कॉलम होते हैं। मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर पॉइंटर की ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। वो मैं क्लियर करता हूँ, मैं फिर से क्लियर करता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है। ये ए है आपका, मैं बी इक्वल टू लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करता हूँ, ये आ गया। ए का स्क्वायर करता हूँ, आ गया आपका ए का स्क्वायर। और ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। पावर 2, एक हो गया आपका एलिमेंट वाइज स्क्वायर करना, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का, चार का, पांच का, छः का, सात का, आठ का, नौ का स्क्वायर, और ये आपका था ए का स्क्वायर। जिस तरह से कन्वेंशनल टेक्निक होता है उस तरह से स्क्वायर किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय ए हो गया। तो ये था आपका एरे और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस। अगले ट्यूटोरियल में देखते हैं हम क्या करते हैं। ओके, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए।